ये फिर देखो एसपी साहब, फिर देखो दोबारा ट्रॉलियों की जाम। ये देखो नजारा, ये ग्राम पंचायत सांगला में है। सवाई माधोपुर जिले की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी बलही जिले भर में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने का दम भरते हुए दिखाई देते हों, लेकिन क्षेत्र में अभी भी बजरी माफिया द्वारा अवैध बजरी परिवहन का कार्य धड़ल्ले से जारी है। पुलिस एवं खनन विभाग की तमाम कोशिशों एवं प्रयासों के बावजूद भी जिले में विशेषकर मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में रात के अंधेरे में सफेद सोने का कारोबार बखूबी जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बात की खबर पुलिस या प्रशासन को नहीं है? अगर है तो दाल में कुछ काला है, अगर नहीं है तो फिर बड़े पैमाने में रात के अंधेरे में मलारना डूंगर थाना अंतर्गत साकड़ा गांव में आधा दर्जन से अधिक अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रोलियों का गुजरना कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। पुलिस एवं प्रशासन से ज़्यादा तो ग्रामीण जन सक्रिय हैं, जो कि इस बुराई के खिलाफ खुलकर नहीं तो पर्दे के पीछे, मतलब अपनी पहचान छुपाते हुए रात के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर बजरी माफियाओं की कारगुजारियों को जनता के सामने लाने के लिए वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण की दिशा में भूमिका अदा कर रहे हैं। तुरंत रूप से कार्रवाई करें। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इनकी तुरंत रूप से कार्रवाई करें। अवैध रूप से बहुत ट्रैक्टर ट्रोलिंग करते हैं ग्राम पंचायत सांकड़ा होते हुए। काफी मकसदों में लाइन लगी हुई है, तो मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूं कि ग्राम पंचायत सांकड़ा में नाका लगाने की कृपा करें। अवैध रूप से इस रास्ते को देखो, इस रास्ते को देखो एसपी साहब, हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, रास्ते कितना ख़राब कर दिए हैं लोगों ने, ओवरलोडिंग ट्रॉली। अभी ग्राम पंचायत सांकड़ा से होते हुए सपोटरा की ओर जा रही है, ये नीमोदा स्टेशन पर मिलेगी। अवैध रूप से खनन बजरी खनन हो रहा है, तो एसपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि एसपी साहब इन पर तुरंत रूप से कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत सांकड़ा में ओवरलोडिंग बजरी की ट्रॉलियाँ धुआंधार निकल रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये देखो एसपी साहब, ये इनके क्या नाम से चलाने वाले और जो वो हैं गारंटर है, साइड में चलते हैं वो है। ये कितना ख़राब कर दिया रास्ते को एसपी साहब, आपसे गुजारिश है, बार बार गुजारिश।